क्लॉथ स्वाब ने उनके वेबसाइट पे जो लिखा था साइबर पैंडमिक का, वो निकाल दिया वेब पेजेस, मतलब नहीं होने वाला है लगता है, प्लान कैंसिल या डिले किया है। जो ये लोग ने ये कांड किया उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल थे, तो लोगों ने डाउनलोड किए। स्टेप टू स्टेप वैसा ही था जो ये लोग ने डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, इसके वजह से इनका प्लान पकड़ा गया। सो अभी ये जो रशिया के ऊपर उंगली किया वेस्ट ने, और उसके वजह से मतलब ये ट्रिगर किया वॉर, तो ये बेसिकली इवन पुतिन मिला नहीं है ये लोग के साथ, या पुतिन मिला हुआ भी हो सकता है, लेकिन अगर पुतिन मिला हुआ नहीं है, लेकिन इनको जो रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट आ रहा है। पुतिन के अंदर उंगली किया, पुतिन पलटवार किया, ऑयल और गैस का प्राइस बढ़ गया, केओस मचा दिया। इनका मकसद ही केओस मचाना है, तो वो हो गया। और टाइम पास चालू है लोगों का, मतलब बिजी रखा है फेक वॉर में। सो अगर पुतिन इसके खिलाफ लड़ रहा है, तो पुतिन इज़ ए वेरी बिग एसेट, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। लेकिन ये स्कैम पुतिन और ट्रम्प को मालूम है, जनरल फ्लिन को मालूम है। ट्रम्प एक बार बोला भी होक्स, बाद में उसको पट्टी पढ़ाया, बाद में वो शामिल हो गया। लेकिन ट्रम्प डबल एज बात करता है, मतलब वो बोलता है टोचन लो टोचन लो, वो बेसिकली आँख मार के बोलता है टोचन लो टोचन लो। और जनरल फ्लिन को भी मालूम है, कुछ नहीं किया। पुतिन को मालूम है, पुतिन इसमें शामिल हुआ और खुद के इधर नौटंकी किया उसने, बट उसने टोचन मैंडेटरी नहीं किया, और पासपोर्ट का कुछ है नहीं। तो मतलब चाइना और रशिया फेक डेमोक्रेटिक इंडिया से इज मच बेटर। अपने इधर क्या हाल हुआ है सबको मालूम है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में लोगों को घर पे जाके पकड़ पकड़ के टोचा है, मार के टोचा है, जंगल में भागे उधर पकड़ पकड़ के टोचा है। तो इधर नॉर्थ ईस्ट में काफी खतरनाक था ये, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर सबसे लुखे रहेंगे और एकदम बिकाऊ लोग हैं, क्योंकि जो लेवल का नॉर्थ ईस्ट में टॉर्चर देखा, अत्याचार देखा, वो किधर भी नहीं था। अभी एक नॉर्थ ईस्ट वाले के मेरे को बहुत फोन आए थे, तो एक जन मेरे को बोल रहा था हमारे एरिया में सिर्फ हम लोग 4 लोग हैं जो लेना नहीं चाहते, और पुलिस पीछे पड़ी है। मतलब इतना लेवल का था, अभी कैसे बचेंगे, पूरी सोसाइटी उनके खिलाफ है कि टोचन नहीं लिया, हमारा बिल्डिंग या सोसाइटी फुल्ली टोचन वाला मांगता है। तो ये जो 4 जन थे वो लोग के क्या हाल हो गए रहेंगे, बाद में मालूम नहीं क्या हुआ। तो अभी क्रिप्टो का क्या होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज पंप। एक्चुअली लैंड लिया है, तो लैंड में कुछ खेती वेती होगा ही, उधर आम का पेड़ है, हर साल आम देता है, लेकिन जमीन उतना बड़ा नहीं है, फिर भी गुड इनफ। तो आई विल बी बाइंग सम मोर लैंड एंड आई विल बी स्टेइंग देयर। चलो इन केस ये लोग का लोगों को ऊपर पहुंचाने का प्लान है, तो मास क्वांटिटी में लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाएंगे और इधर जगह खाली हो जाएगा, तो रियल इस्टेट का कुछ भाव बढ़ने वाला नहीं है, किसी चीज़ का भी भाव बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कंज्यूमर्स ही चले गए। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाव नहीं बढ़ेगा बट उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। एक्चुअली ये स्कैम हर एक गाय भैंसे के दिमाग में घुसना चाहिए कि विराट कोहली जैसा कुछ भी नहीं रहता है। एक्सप्लेन टू देम कि विराट कोहली कैसे डिस्कवर होता है। विराट कोहली डिस्कवरी का एक प्रोसेस है, जो
खोखला है, ये लोग ने बनाया है विराट कोहली बनाने के लिए। तो मेरा वीडियो लाइब्रेरी बिटशूट पे है, वो तुमने देखा ही रहेगा, वो डाउनलोड करो और लोगों को दिखाओ और लेमैन टर्म्स में लोगों को समझाओ कि विराट कोहली जैसा कुछ भी नहीं रहता है, इट्स ऑल ए होक्स, और उसके बेस पे टोचन दिया जा रहा है फॉर ए थिंग विच डजेंट इवन एग्जिस्ट। उसके बेस पे अपने को तीन तीन महीना पासपोर्ट निकाला जा रहा है, उसके बेस पे दल्ले चाय वाले ने लोन लिया बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर किड्स, वो जो काड़ी डालते हैं इधर और इधर, उसके लिए और टोचन के लिए वर्ल्ड बैंक से बिना मतलब का कर्जे में डुबाया इंडिया को, प्लस लॉकडाउन और इससे लोगों का धंधा बंद किया, वो लोग लोन लिए हैं बहुत सारा, फाइनेंशियल सफरिंग वो लोग का हुआ है काफ़ी। तो ये सब एक झूठ पे बना हुआ है, एक झूठ बोल के अत्याचार किया जा रहा है, और गाय भैंसे अपने बिरादरी में ज़्यादा लोग चाहिए, गाय भैंसे को एनलाइटन करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट बताओ उनको कि वो एक अभी पूरा बोल नहीं सकता है, वो वीडियो तो तुमने देखा ही रहेगा, वो डाउनलोड करो, अंडरस्टैंड करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करो और आसपास के सारे गाय भैंसों को बताओ कि कैसे रहता है वो, हाउ इट इज डिस्कवर्ड। तो वो बोलेगा बहुत सारे गधे कि मेरे टेस्ट चला गया था, मेरे स्मेल चला गया था, मेरे नाक बुझ गया था और मेरे को बुखार आया था, तुम बोलते विराट कोहली है ही नहीं, फिर मेरे को कैसा हुआ था। अबे गधे, पहले भी तो बहुत बार होता था, ये चुतिया लोग ने विराट कोहली के साथ उसको जोड़ दिया, उसका जो भी प्रॉब्लम है विराट कोहली के साथ जोड़ दिया, विराट कोहली है ही नहीं तो उसके वजह से प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। तो गधे लोग, दे लैक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हाइप कर चुके हैं हर एक प्रॉब्लम को विराट कोहली के साथ जोड़ के, विराट कोहली को खतरनाक बनाया गया और जो कुछ है ही नहीं। तो गाय भैंसों को समझाओ, नहीं तो अपना वांदा होने वाला है, क्योंकि ये जो रूल्स बनने वाले वो अपने सबके लिए, ऐसा नहीं कि मैं, मेरे को मालूम है स्कैम है तो मैं बच जाऊंगा, मेरे को भी वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो प्रोसेस सब गुजरेंगे, कानून सबके लिए बनेगा तो अपन भी फंसेंगे, इसलिए गाय भैंसों को एनलाइटन करो। मैं अभी डायरेक्ट साइंटिफिकली बताता हूँ कैसे होता है ये, इजी वर्ड्स में, और एक्चुअली है बहुत सारे लोग दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड इट। हाँ, बाकी सब लोग चूतिया है, तू अकेला शारा है, एक्सप्लेन टू देम दिस इज द रियल टेक्निक, उनके साइंस की किताब में ही लिखा है ये सब, ये कुछ मेडअप ख्याली पुलाव में, ये वो लोग का प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ तुमको। और बाप डॉट टेक पे रजिस्टर करो, बाप डॉट टेक पे फोरम बिरम पे चैटिंग करना है, और उसमें रजिस्टर करो, क्योंकि अपने को नेटवर्क बनाना है, इनिशियल स्टेज में कम लोग रहता है, वो हर एक चीज़ में होता है। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप था, मैं अपना मोबाइल नंबर ओपनली देता था, मुझे नहीं लगता था कि लोग मेरा मोबाइल नंबर स्टोर करेंगे और बाद में कॉल का बारिश होगा, एक्चुअली तभी कुछ बड़ा था ही नहीं। हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 15-20 लोग थे, 25 लोग, फिर वो बढ़ गया, फिर टेलीग्राम, तो वैसा स्टार्टिंग में कम ही लोग रहता है। बाप डॉट टेक में अभी 36 लोग रजिस्टर है, इनिशियल स्टेज में कम रहता है, बाद में वो बढ़ता है, और इनिशियल स्टेज में मतलब इसको अपन मनी मेकिंग मशीन भी बनाने का है, वो आइडियाज़ मैं डालूंगा, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है, अपन क्रांतिकारी कैसे रहेंगे, पैसे वाले क्रांतिकारी रहेंगे, दोज हु कैन मेक ए डिफरेंस, वो नहीं कि बैनर लेके रास्ते पे खड़े रहो, आने जाने वाले लोग दिखेंगे कि ये होक्स है, ये स्कैम है, तो माय चॉइस, वो सब अपन बैनर लगा के खड़े रहते, वो भी एक अटेंशन सीकिंग इवेंट है, बट उससे ज़्यादा कुछ अचीव नहीं होता है, फटका मिलने का रिस्क तो रहता ही है, लेकिन
कुल किसी भी चीज़ में फटका तो खाना ही पड़ता है, और ये ग्राउंड लेवल पे भी लगता है। बट इफ वी आर फाइनेंशियली रिच एंड पावरफुल एंड विथ ए गुड नेटवर्क, देन वी कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस, जो काफ़ी काम करेगा। वही बात डॉट टेक की कोशिश है कि सखा भी इंटेलिजेंट है, सखा समझता है कि प्रोटेस्ट ब्रिटेस से कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़ा नेटवर्क बनाने का उसका चल रहा है। ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, और जो उसने दिल्ली सीएम के सचिवालय मतलब उधर जाके उसने जो भाषण दिया, उधर रुका भी वो ग्राउंड लेवल पे 5-7 दिन ठंडी में, तो वो समझता है प्रॉब्लम को क्या है और कैसे उसको ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं है। अभी अपना दो दल्ला जो पूरी तरह से बिका हुआ है, कुछ छोड़ नहीं रहा है, हर एक इंडियन को गोरे लोग का गुलाम बना के ही छोड़ेगा। सारे कानून उधर बन के आते, इधर वो पास कर रहा है, पब्लिक अनअवेयर है। अपन टोटली गुलामी की तरफ जा रहे हैं, और अगर नेटवर्क बड़ा नहीं और गाय भैंसे एनलाइटन नहीं हुए तो अपन सब गए काम से। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और मैं कोई चुतिया नहीं कि फालतू वाले चीज़ में मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं समझता हूं कि क्या इम्पोर्टेंट है। हिजाब केस में मैंने कुछ भी हल्का सा बात किया, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे बोला, बट इट इज़ प्योर वेस्ट। हिजाब कोई पहन रहा है, आई एम अगेंस्ट हिजाब, बट वो कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं है जिसके बारे में डिबेट हो, दंगा फसाद हो। एक फालतू इशू को मेनस्ट्रीम बना के पब्लिक का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, और इधर पब्लिक के पिछवाड़े में बांबू घुसाने के नए नए कानून बन रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंट है बांबू घुसने का रोकना, इम्पोर्टेंट है कि हिजाब इम्पोर्टेंट है? तो मीनिंगलेस अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिसमें लोगों का टाइम वेस्ट होता है। अभी इतने सालों से लड़कियां स्कूल में जाती है हिजाब पहन के, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अचानक अभी प्रॉब्लम क्रिएट किया ताकि थोड़ा अशांति बने रहे, थोड़ा दंगा फसाद हो। मुसलमानों को बकरा बना दिया ताकि उन पे लोग हंसे और थोड़ा टाइम पास हो, मनोरंजन के लिए वो किया। तो भटकने का नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन जो काम का मुद्दा है, जो अपना लाइफ इफेक्ट करता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी मेरे दोस्त लोग गाय भैंसे, फॉर देम क्रिकेट इज़ इम्पोर्टेंट। पैसा कमाए, तू अमीन बताता नहीं कैसा कमाने का, तू अकेला कमा, अरे वीडियो रोज बनता है, तुम देखा नहीं? अभी मेरे इतने सारे दोस्त लोग हैं, हर एक को फ़ोन करके बताऊँ क्या? इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तुम्हारे पास टाइम है, तुम क्रिकेट में टाइम वेस्ट करता है, ड्रिंकिंग में टाइम वेस्ट होता है, बट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। थोड़ा बंकवास, थोड़ा बकवास करना चाहिए, नहीं तो लाइफ मैकेनिकल होगा। फालतूगिरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वेस्टिंग अवर टाइम इन वॉचिंग क्रिकेट इज फूलिश, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और मैं फालतू चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट मेकिंग मनी, क्योंकि दे आर वेस्टिंग देयर वैल्यूएबल टाइम इन टू समथिंग विच इज अननेसेसरी। अभी मैं जब कंपनी चलाता था, मैं ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करता था फालतू चीज़ों में। मतलब मैं प्रोडक्टिविटी के मैंने किताब लिखे हैं, वो सारे रूल्स फॉलो किए थे फॉर मास्टर पंच, मतलब तेज़ी से ऊपर जाने के लिए तो एफर्ट्स लेना ही पड़ता है, ऐसा फुकट में कुछ नहीं आएगा। और जो ये गाय भैंसे, दे डिजर्व दैट काइंड ऑफ स्टूपिडिटी, उनके दिमाग में गोबर है, क्योंकि वो उसके लायक ही है, गोबर के लायक के लिए। लेकिन फिलहाल अपने को वो लोग को अपने बिरादरी में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गाय भैंसों का सपोर्ट लेके सरकार ऐसे कानून बनाएंगी जिसमें अपन सब गुलाम होंगे और अपन भी उसमें फंसने वाले हैं। सो बाप डॉट टेक में रजिस्टर करो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ अपने लोकल एरियाज में, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उधर डालो, लोग ज्वाइन होंगे तुम्हारे एरिया के, और ऐसा करके बड़ा नेटवर्क बनाना है।